वेल हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्ट्रीट फाइटर मूवी जो 1994 में रिलीज हुई थी, जो कि बेस्ड है स्ट्रीट फाइटर एरकेड गेम पर, प्रोड्यूस्ड बाय कैपकॉम, जिसे आपने अपने बचपन में कभी ना कभी तो जरूर खेला होगा। फ्रेंड्स, स्ट्रीट फाइटर गेम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा था ये कमेंट करके जरूर बताना, और अपने बंदे को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है शैलडू में छिड़े सिविल वॉर के 7 महीने बाद, जहां देश की राजधानी गिर चुकी होती है। यहां ये सिविल वॉर जनरल एम बाइसन और अलाइट नेशन, जिसे लीड कर रहे होते विलियम एफ गोयल, इन दोनों के बीच हो रही होती है। यहां एक न्यूज रिपोर्टर होती है जिसका नाम चंग ली होता है, जो बताती है कि बाइसन ने पिछले 24 घंटे से सेवरल एएन रिलीफ वर्कर्स को बंधक बना रखा है और बदले में $20 बिलियन की डिमांड की है। बाइसन यहां सभी बंधकों को एक तहखाने में कैद कर देता है। यहां एक सोल्जर बाइसन से लड़ता है, पर बाइसन एक ही झटके में उसे मार डालता है। यहां बाइसन चंगली की न्यूज देख रहा होता है, जहां चंगली कर्नल गोयल का इंटरव्यू लेने लगती है कि तभी बाइसन चंगली की ओबी वैन के डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट के जरिए गोयल से बात करता है। यहां बाइसन गोयल से 3 दिन में $20 बिलियन की डिमांड करता है, जिसके बाद बाइसन 72 घंटे की टाइमिंग लगा देता है और कहता है कि अगर वक्त पर पैसे नहीं भेजे तो मैं सभी हॉस्टेजेस को मार दूंगा और इसके जिम्मेदार तुम होंगे। यहां बाइसन के कब्जे में गोयल का एक साथी होता है जिसका नाम चार्ली होता है, तो बाइसन उसे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ रेयू हेशी और कीन मास्टर सेगाट के साथ एक हथियारों का सौदा करने आए होते हैं। यहाँ कीन हथियारों की डिलीवरी करने से पहले $100,000 मांगता है, पर सेगाट बताता है कि उसने उन हथियारों के ट्रक को ढूंढ लिया है और सभी हथियार अब यहाँ आ चुके हैं। यहाँ सेगाट उनके हथियारों को टेस्ट करने के लिए उन पर ही हमला करता है, तो उनमें से गोलियों की जगह बॉल निकलती है। अब यहाँ दरअसल रेयू और कीन सेगाट को नकली हथियार बेचकर वहां से रफू चक्कर होने वाले थे, पर सेगाट उन्हें पकड़ लेता है। वहां बाइसन अपने लैब में जाकर धासिम से मिलता है, जहां चार्ली पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है, जिसमें उसे एक चेंबर में डिस्टर्बिंग एंड वॉयलेंस भरी वीडियोस दिखाई जा रही होती है। साथ ही उसके शरीर में डीएनए म्यूटेशन और एनाबॉलिक प्लाज्मा जैसे खतरनाक केमिकल डाले जा रहे होते हैं, ताकि वो एक सुपर सोल्जर बन सके। उधर सेगाट रोयू की फाइट वेगा से करवाता है। यहां सेगाट केन को बताता है कि वो भी पहले आयरन फिस्ट का एक केज फाइटर हुआ करता था, पर फिर वो रिटायर हो गया। यहाँ वेगा और रेयू बिना हथियार के लड़ने जा रहे होते हैं, पर तभी वहाँ गोयल टैंक की मदद से दीवार तोड़ते हुए अंदर आता है और सभी को कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है कर्नल गोयल की स्टाफ मीटिंग में, जहाँ सार्जन कैमी वाइट बताती है कि उसने बाइसन के ठिकाने का पता लगा लिया है, जो कि शहर के बाहर डेल्टा नदी के किनारे पर कहीं मौजूद है। पर तभी वहां पर सेगाट का एक आदमी भेष बदल कर आया होता है, जो गोयल पर हमला करता है, पर गोयल उसे पल भर में ही ढेर कर देता है। यहाँ गोयल प्लान बताता है कि अगर किसी तरह सेगाट को जेल से भगा दिया जाए तो वो सीधा बाइसन के पास ही जाएगा, जिसके बाद हमें बाइसन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाएगा। तभी बाहर रेयू और केन पर सेगाट के लोगों का हमला हो जाता है, जिसमें वेगा भी उन पर हमला करता है, पर तभी गार्ड्स आकर लड़ाई को रोक देते हैं। बाद में रेयू और केन किसी तरह आपस में झगड़ने का नाटक करते हैं और गार्ड की चाबी चुरा लेते हैं और खुद की हथकड़ियां खोलने लगते हैं। यहाँ सेगाट रेयू और केन से बोलता है कि तुम पुरानी बातें भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इस शहर से बाहर ले जा सकता हूँ, जिस पर दोनों सेगाट की बात मान लेते हैं। और यहाँ रेयू और वेगा ट्रक हाईजैक करके भागने लगते हैं कि तभी सामने गोयल आ जाता है, जिस पर केन गोली चला देता है और गोयल को मार देता है, जिसके बाद सभी वहां से भाग जाते हैं। यहाँ चंगली किसी तरह ट्रक पर एक ट्रैकर लगा देती है ताकि उसे ट्रैक किया जा सके। उधर बाइसन को खबर मिलती है कि सेगाट की जेल तोड़कर भागते वक्त गोयल मारा गया, जिस पर बाइसन को अफसोस होता है, क्योंकि बाइसन पर्सनली गोयल के साथ लड़ना चाहता था और खुद उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। यहाँ बाइसन पूछता है कि मुझे लोग आखिर पागल और सनकी क्यों कहते हैं, मैं तो सिर्फ एक परफेक्ट जेनेटिक सोल्जर बनाना चाहता हूँ, ताकत या हैवानियत के लिए नहीं, बल्कि एक निर्माण के लिए। अब यहाँ दरअसल बाइसन अपने सुपर सोल्जर्स के जरिए पूरी दुनिया पर राज करने के सपने देख रहा होता है। उधर चंगली और उसके साथी बैलरॉक और होंडा उस ट्रक को ट्रैक कर रहे होते हैं, पर तभी किसी तरह का इंटरफेस आने लगता है जो उनके सिग्नल को जैम कर रहा होता है। तो चंगली चोरी छुपे उस जैमर को ढूंढने लगती है, जहां वो एक मुर्दा घर में पहुंचती है और यहां उसे मुर्दा घर में एक जैमर मिलता है और वहीं पर कर्नल गोयल की लाश। तो वो उसे देखने लगती है कि तभी गोयल उठ जाता है और यहां पर पता चलता है कि यह सब एक ड्रामा था बाइसन तक पहुंचने के लिए, जिसमें रेयू और केन भी शामिल है। यहां गोयल चंगली को गिरफ्तार करने को बोलता है, तो वो बताती है कि बाइसन ने मेरे पिता को मारा था तो मुझे बस अपना बदला चाहिए, पर फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर चंगली किसी तरह बचकर भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है शैलडू में,
जहाँ बाइसन और सेगाट के बीच हथियारों की डील होने वाली होती है। यहाँ जंगली अपने साथियों के साथ जादूगरी का शो दिखा रही होती है, जिसे बाइसन और सेगाट भी देख रहे होते हैं। जिसके बाद सेगाट अपने हथियार दिखाता है तो बाइसन कहता है कि जब एएन मुझसे हार जाएगा तब हम देश को आपस में बांट लेंगे। पर सेगाट कहता है कि जंग खत्म होते होते तो देश में कुछ बांटने लायक ही नहीं बचेगा, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे डॉलर्स दे दो। तो बाइसन यहाँ पर अपने नए बाइसन डॉलर देता है, जिसमें एक नोट की कीमत होगी 5 ब्रिटिश पाउंड। तो इस पर सेगाट गुस्से में आ जाता है। उधर चंगली रेयू और केन को बंधक बना लेती है और बताती है कि जिन हथियारों की डील बाइसन और सेगाट के बीच हो रही है आज वही उसकी जान लेगी। वहां बाइसन और सेगाट के बीच लड़ाई होने ही वाली होती है, पर वहां पर रेयू और केन आकर सभी को वार्न करते हैं कि हम पर हमला होने वाला है। तभी चंगली टीवी के जरिए बाइसन और सेगाट को बताती है कि उनका हथियार से भरा ट्रक उनकी तरफ तेजी से आ रहा है, जिसमें एक्सप्लोसिव भी लगे होते हैं और तुम सभी यहीं मारे जाने वाले हो। पर सभी किसी तरह बच जाते हैं और जिसके बाद जंगली और उसके साथियों को पकड़ लिया जाता है और बाइसन के अड्डे पर लाया जाता है। यहाँ बाइसन होंडा और बेलरॉक को कैद खाने में सजा के लिए भेज देता है और जंगली को अपने चेंबर में। यहाँ बाइसन रेयू और केन को अपने साथ शामिल कर लेता है क्योंकि इन दोनों की बदौलत ही सभी बच पाए थे। अब उधर गॉयल बाइसन पर हमला करने का प्लान बना रहा होता है, जिसमें वो सभी नदी के जरिए बाइसन के सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ते हुए आगे बढ़ने के बारे में बताता है। यहाँ कर्नल गॉयल एक लेटेस्ट स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बनी स्पीड बोट के जरिए जाने का प्लान बताता है। वहीं दूसरी तरफ बाइसन का आदमी कैद खाने में बेलरॉक और होंडा को सजा देने लगता है, जिसमें वो सजा के तौर पर होंडा को छड़ी से जोर जोर से मारने लगता है, जिसमें होंडा को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता पर छड़ियाँ जरूर टूट जाती है। दरअसल होंडा एक सुमो रेसलर होता है तो उसे दर्द सहने की आदत होती है। इस पर बेलरॉक हंसने लगता है तो वो आदमी बेलरॉक को घूंसा मार देता है और कुछ देर के लिए वहां से चला जाता है, और इसी का फायदा बेलरॉक और होंडा उठा लेते हैं और दोनों मिलकर खुद को छुड़ा लेते हैं। उधर सभी सोल्जर्स एएन हेडक्वार्टर के बाहर इकट्ठा होते हैं, जहां कर्नल गॉयल बाइसन से लड़ने जा रहा होता है। पर तभी वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल का एक आदमी आता है जो गॉयल को जंग को रोककर बाइसन से बात करने को कहता है, जिसमें बाइसन के डेडलाइन को आगे बढ़ाने और 20 बिलियन देने की बात होती है। तो इस बात पर गॉयल गुस्से में आ जाता है और ऑर्डर को फॉलो ना करते हुए सभी सोल्जर के साथ अपने स्टेल्थ स्पीड बोट के जरिए बाइसन के ठिकाने की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि आज बाइसन 20 बिलियन डॉलर मांग रहा है, कल को 50 या 100 मिलियन डॉलर मांगेगा, तो बेहतर होगा कि आज ही ये किस्सा खत्म किया जाए। उधर चंगली बाइसन को बता रही होती है कि 20 साल पहले तुम जब ड्रग और गुलाम बेचा करते थे तब मेरे पिता एक मैजिस्ट्रेट थे जिनकी तुमने गोली मारकर हत्या करवाती थी। इस पर बाइसन कहता है कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। तो यहाँ चंगली बताती है कि मैंने बचपन से 3 देशों की मार्शल आर्ट सीखी है ताकि एक दिन तुम्हें मार सकूं। और तभी चंगली बाइसन पर हमला करती है और बाइसन को मारने लगती है। यहाँ तभी बेलरॉक, होंडा, रेयू और केन आ जाते हैं, जिससे चंगली का ध्यान बढ़ जाता है। और इसी बीच बाइसन एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में चला जाता है और अपने चेंबर में स्लीपिंग गैस छोड़ देता है, जिससे सभी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है बाइसन के लैब में, जहां चार्ली लगभग 49% ब्लैंका में बदल गया होता है, पर दासिम किसी तरह चोरी छुपे ब्लैंका का वॉयलेंस भरी वीडियो चेंज करके शांत और खुशी वाले वीडियोस में बदल देता है। वहां दूसरी तरफ गॉयल बाइसन की रडार सीमा में आने वाला होता है, जहां गॉयल अपनी बोट को स्टेल्थ मोड में लाता है, जिससे उसकी बोट इनविजिबल होने लगती है। और इसके बाद वो सभी रडार को उड़ाते हुए आगे बढ़ता है ताकि बाकी की सेना अंदर आ सके। पर यहां पर बाइसन को यह पता लग जाता है कि कर्नल गॉयल अभी भी जिंदा है, तो बाइसन अपने सभी प्रोमैक्सी बॉम्ब्स को डिप्लॉय करने लगता है, जिसमें वो गॉयल के साथ एरकेड गेम खेलने लगता है। यहाँ गॉयल और उनके साथी बोट को छोड़ देते हैं इससे पहले कि बाइसन बॉम्ब के जरिए उन्हें तबाह कर दे। उधर लैब में दासिम गार्ड से लड़ने लगता है, जिसमें लड़ाई के वक्त ब्लैंका आजाद हो जाता है और गार्ड को मारकर दासिम को बचा लेता है। एक तरफ बाइसन का दिया हुआ वक्त खत्म होता है, जिसमें उसके स्विस बैंक अकाउंट में 20 बिलियन डॉलर नहीं आते। वहीं दूसरी तरफ गॉयल किसी तरह अंडरग्राउंड रास्ते से होते हुए बाइसन के लैब में घुसता है, जहां गॉयल ब्लैंका यानी चार्ली से मिलता है, जो कि उसका दोस्त होता है। तो चार्ली यहाँ पर गॉयल से मदद मांगता है। तो यहाँ पर गॉयल चार्ली को गोली मारने वाला होता है, पर दासिम उसे ये कह के रोक लेता है कि तुम्हें किसी की जान लेने का हक नहीं है। तभी बाइसन ब्लैंका को ऊपर लाने को कहता है ताकि वो सभी कैदियों को मार सके, पर वहाँ ब्लैंका की जगह कर्नल गॉयल आकर बाइसन पर हमला कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर सब लड़ने लगते हैं जब तक कि एएन की बाकी सेना ना आ जाए। यहाँ जेंगिफ और होंडा के बीच एक खतरनाक लड़ाई होने लगती है, जिसमें वो दोनों दीवारों को तोड़ते हुए लड़ने लगते हैं। उधर बाइसन ब्लैंका के बारे में पता लगाने लगता है, तो उसे पता चलता है कि ब्लैंका अब उसके किसी काम का नहीं है। कुछ देर बाद एएन की सेना भी वहां पहुंच जाती है। अंदर गॉयल के सामने
बाइसन के सोल्जर्स आ जाते हैं तो गोयल अपनी चाकू निकालता है, तो बाइसन के सभी सोल्जर्स डर जाते हैं। तो गोयल को लगता है कि सभी मुझसे डर गए, पर गोयल के पीछे उसकी सेना आ चुकी होती है। तभी बाइसन आकर गोयल के साथ बिना हथियार के लड़ने को कहता है। तो यहाँ पर गोयल कैमी से कहता है कि अगर मैं 15 मिनट में नहीं पहुंचा तो मेरे बगैर हॉस्टेजेस के साथ निकल जाना। जिसके बाद बाइसन और गोयल के सैनिक चले जाते हैं और यहाँ दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है, जिसका बाइसन को बेसब्री से इंतजार था। इस फाइट में गोयल बाइसन पर अपने किक्स बरसाता है और बाइसन को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर फेंक देता है, जिससे बाइसन को बिजली के झटके लगते हैं और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। जहाँ गोयल को लगता है कि बाइसन मर गया, तो वो कैमी से बाहर की सिचुएशन को पूछने लगता है, पर तभी बाइसन के सूट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें उसका सूट उसे CPR और इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, इसी के साथ एड्रिनल का इंजेक्शन, जिसकी बदौलत बाइसन जिंदा हो जाता है और गोयल पर हमला करने लगता है। उधर बाइसन का कंप्यूटर एक्सपर्ट DJ नोटों से भरा हुआ बक्सा चुराकर सीक्रेट पैसेज से निकल जाता है। वहाँ केन भी आता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो सामने रखी सोने की मूर्ति को ले जाने लगता है, जिसके बाद वो CCTV की मदद से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, तो उसे कैमरे में रेयू दिखता है, जिस पर सिगार्ट और वेगा का हमला हो जाता है। एक तरफ बाइसन अपने जूतों में लगे सुपर कंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ऑन करता है, जिसकी बदौलत बाइसन हवा में उड़ने लगता है और गोयल पर हमला करता है। वहीं दूसरी तरफ सिगार्ट और वेगा पूरी तरह से रेयू पर हावी होने लगते हैं कि तभी वहां पर केन आ जाता है, जहां दोनों साथ मिलकर सिगार्ट और वेगा को हरा देते हैं। और यहां केन वो सोने की मूर्ति सिगार्ट को दे देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। उधर बाइसन गोयल पर बिजली के झटकों से वार कर रहा होता है, जहां आखिर में बाइसन एक बार फिर उड़कर आता है, तो इस बार गोयल एक जोरदार किक के साथ बाइसन को दूर बने स्क्रीन पैनल पर फेंक देता है, जिससे इस बार बाइसन मारा जाता है। जिसके बाद इस जगह की एनर्जी फील्ड ओवरलोड होने लगती है, जिसमें कुछ ही देर में पूरी जगह तबाह होने वाली होती है। तो यहाँ सभी लोग बाहर भागने लगते हैं, जहाँ होंडा और जेंगिफ अभी भी लड़ रहे होते हैं, तो ऐसे में होंडा भी बाहर जाने लगता है। यहाँ DJ जेंगिफ को बताता है कि बाइसन एक बुरा आदमी था, तो अब तुम भी यहाँ से बाहर निकलो। तभी वहाँ का दरवाजा बंद होने लगता है, तो जेंगिफ दरवाजा बंद होने से रोक लेता है और सभी को बाहर निकाल लेता है। वहाँ गोयल बाइसन के लैब में जाकर चार्ली और धासिम को अपने साथ चलने को कहता है, पर दोनों मना कर देते हैं, जिसके बाद वहाँ जगह जगह धमाके शुरू होने लगते हैं। जिसके बाद बाहर सभी को लगता है कि कर्नल गोयल शायद नहीं बच सके, पर तभी कर्नल गोयल वहाँ पहुँच जाता है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। उधर DJ और सिगार्ट उस बक्से को खोलते हैं, तो उसमें उन्हें वही बाइसन डॉलर मिलते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता, और सिगार्ट हंसते हंसते उन्हें उड़ाने लगता है। यहाँ चंगली गोयल से उसके इंटरव्यू के बारे में पूछती है, तभी बाइसन के अड्डे पर जोरदार धमाका होता है और सभी अपना जबरदस्त एक्शन पोज देते हैं, और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है। वैसे आखिरी में एक छोटी सी क्लिप और होती है, जिसमें जनरल बाइसन का सूट एक बार फिर से उसे जिंदा कर देता है, जिसके बाद ऑफकोर्स जनरल बाइसन अपना अधूरा काम पूरा करेगा। तो दोस्तों, आपको स्ट्रीट फाइटर मूवी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस।